हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी एस्पिरेंट्स वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसका आज लास्ट एपिसोड रिलीज़ हो गया है। तो इससे पहले मैं वेब सीरीज़ के बारे में बात करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। ऐसे अपडेट रिव्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। तो मैंने इससे पहले एस्पिरेंट्स का जो एपिसोड 1 था उसका रिव्यू किया था, लेकिन उसके बाद एपिसोड 2, 3, 4 वो मैंने देखा था लेकिन रिव्यू नहीं किया, क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर द लास्ट एपिसोड टू कम। और आज जो लास्ट एपिसोड आया वो देखने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो TVF इससे पहले भी हम लोगों को ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वेब सीरीज हम लोगों को प्रेजेंट किए हैं। तो एस्पिरेंट्स जो ये वेब सीरीज़ है, तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि जो 3 दोस्त हैं उन लोगों का UPSC का जर्नी कैसा होता है, और जर्नी के समय उन लोगों का लाइफ कैसे बदल जाते हैं, और कौन UPSC क्रैक करता है या कौन UPSC क्रैक नहीं करता है, और UPSC एग्ज़ाम के बाद तीनों का लाइफ कैसे चेंज हो जाता है, सब कुछ हम इस वेब सीरीज़ पर देख पाएंगे। तो एपिसोड 5 में हम लोगों को पता चलेगा कि फाइनली अभिलाष जो है, अभिलाष अपने दोस्त के शादी में अटेंड करेगा कि नहीं, क्योंकि उसका जो दोस्त है जिसके साथ शादी करेगी वो अभिलाष का एक्स है। तो मतलब ये बहुत ही एक क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था अभिलाष के लिए टू कोप अप विद दिस न्यूज़। एक एपिसोड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि अभिलाष को जब पता होगा कि उसका एक्स के साथ उसका दोस्त का शादी होगा, तो फिर वो उस रेस्टोरेंट से चला जाएगा, और फिर उसको दोस्त को वो चश्मा का जो वो केस था वो केस दिखाई देगा। तो इसी दौरान बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस इन तीनों के बीच क्रिएट होगा, और यहाँ पे भी हम लोग देख पाएंगे कि जो 3 लोगों का जो जर्नी था UPSC में वो बहुत ही कमाल का था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स था, अच्छे दिन थे, बुरे भी दिन थे, लेकिन कुछ एंड तक 3 वे स्टिक टू ईच अदर। लेकिन लास्ट में जाके मतलब हम लोगों को पता चलेगा कि जब रिजल्ट आएगा प्लान ए और प्लान बी, तो आप लोगों को तो वो सीन पता है कि बारिश में वो जो सीन दिखा था वो बहुत ही बढ़िया था। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा जो लोग मतलब अम्ब्रेला के नीचे थे उन लोगों का प्लान बी पहले से ही सेट था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं संदीप भैया और अभिलाष, उन लोगों का कोई प्लान बी नहीं था, तो इसलिए वो सिर्फ 2 लोग बारिश में भीग रहे थे, क्योंकि इन दोनों को UPSC क्रैक करना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था। तो संदीप भैया तो UPSC क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद संदीप भैया का क्या होगा वो आपको एपिसोड 5 में दिखाई देगा। और एपिसोड 5 में एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो है संदीप भैया का एक मोनोलॉग होगा, एक स्पेसशिप और ज़िंदगी दोस्त के बारे में संदीप भैया एक मतलब डायलॉग देंगे, मतलब 2-3 मिनट का शायद वो डायलॉग होगा, वो आप अच्छे से प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उस डायलॉग के दौरान जो एस्पिरेंट्स का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो म्यूजिक जब होगा, और साथ ही साथ संदीप भैया का जो एक्टिंग होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को गूज बम्स ज़रूर देगा। मुझे एपिसोड 5 बहुत ही पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अभिलाष जो पहले से कंफ्यूज थे कि वेदर ही विल अटेंड द वेडिंग और नॉट, तो वो वेडिंग में जाने से पहले जो वो चश्मा का जो वो केस था वो डस्टबिन में डाल देगा। तो इससे पता चलता है कि अभिलाष का जो मतलब अपने मेमोरीज से भाग रहे थे, जो वो मतलब हादसा से अभिलाष जो रिकवर नहीं कर पाए थे, जो वो बहुत सारे कुछ चीज़ अभिलाष के दिमाग में चल रहा था रिगार्डिंग हीज एग्स एंड ऑल, तो वो सब पीछे छोड़ के वो वेडिंग में अटेंड किए थे, जिसलिए वो जो सीन था डस्टबिन में फेल देगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर डायरेक्टर मीन करना चाहता है कि अभिलाष जो था वो अब आगे निकल गया है अपने लाइफ पे। और फिर हम लोग मतलब देख सकते हैं कि वहाँ से अभिलाष फिर से कैसे वो UPSC एग्ज़ाम दिया, तो वो दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसका कोई सीज़न 2 आएगा भी नहीं आएगा, इसका कोई अभी तक पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एंड हुआ मुझे नहीं लगता कि सीज़न 2 आएगा। लेकिन सच में दिस वॉज द मोस्ट फाइनेस्ट वेब सीरीज़ आई हैव वॉच्ड आफ्टर कोटा फैक्ट्री, क्योंकि इसका जो थीम था वो बहुत ही अच्छा था। हालांकि ये जॉनर बहुत ही मतलब डिफरेंट है, इज नॉट लाइक थ्रिलर और सम रोमांटिक जॉनर, ये बिल्कुल ही नहीं है, ये TVF का ही टिपिकल जॉनर है, जैसे TVF डिफरेंट थीम में काम करते हैं। लेकिन मैं बताऊँ, अगर आप लोगों ने एस्पिरेंट अभी तक नहीं देखा प्लीज़ जाके ये वेब सीरीज़ देखो, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर्स है आप कुछ मतलब हद तक अपने आप को ज़रूर रिलेट कर पाओगे, क्योंकि कैरेक्टर का जो स्ट्रगल था, जो कन्फ्यूशन स्टेट ऑफ माइंड थे कैसे करियर होगा या प्लान ए या प्लान बी, फिर दोस्तों के बीच जो चलता है, फिर कैसे वो सब सॉर्ट आउट करते हैं, लाइफ में कैसे बढ़ते हैं, और एक संदीप भैया जैसे एक मतलब आपको गाइडेंस और अगर एक सहारा मिल जाए तो
आपका लाइफ फिर बहुत ही अच्छा जाएगा, आपको समझने में बहुत ही इजी होगा लाइफ के बारे में। तो अगर आप लोगों ने देख लिया तो मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।